आचार्य पदारोहण समारोह के लिए जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 16 अप्रैल निकला है। उनकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी आ सकते हैं। भैया हरो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के कुंडलपुर में 16 अप्रैल को एक बड़ो महोत्सव होवे वालों है। इतने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पे आचार्य पद को आरोहण होने हैं और इके लाने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश भर में जितने जितने भी आचार्य विद्यासागर जी से जुड़े, उनके संग से जुड़े जो भी संत हैं वे सब एक एक करके कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। तमाम सारे संत कुंडलपुर की सीमा के आसपास यानी दमोह जिला के आसपास तक पहुंच चुके हैं। रोजाना वे पैदल विहार करते हैं और यही वजह से कचू किलोमीटर चल के 16 तारीख के पहले हर हाल में ये सब संत पहुंच गए हैं कुंडलपुर। और इतने अब तक को सबसे बड़ो कार्यक्रम बताओ जा रहा है जैन समाज को कुंडलपुर में, जी में आचार्य पद आरोहण की पूरी विधि हुई है। और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच रहे हैं और भी तमाम सारे अतिथि थे पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और इसके संग ही हम सब एक ऐतिहासिक और अनूठे धार्मिक आयोजन को हिस्सा बने। लगभग 4 दशक बाद आचार्य श्री को पद अब अगले मुहिराज को दौजे है। आप अब जरा जी खूबसूरत तस्वीरें देखो कुंडलपुर की, जी में ड्रोन के जरिए आप लोगों को भव्य और दिव्य जगह के दर्शन हम करा रहे हैं। और संग ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी आपको बताएं कि आखिर कुंडलपुर में 16 तारीख को की तरीके के पूरे कार्यक्रम हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ होने के बाद उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी की एक तरह से पदारोहण होना है। तो आचार्य पदारोहण समारोह के लिए जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 16 अप्रैल निकला है और सभी ने मिलकर यह तय किया है कि चूंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो आराध्य हैं वो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, तो इसलिए उनके उत्तराधिकारी का जो पदारोहण हो वो बड़े बाबा के चरणों में हो। और इसलिए सभी जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संगत साधु हैं वो सभी कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। आज जब मैं अभी इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो 71 मुनि और आरिका कुंडलपुर पहुँच चुके हैं और लगभग करीब 300 के आसपास हैं जो अगले एक सप्ताह में कुंडलपुर पहुँच जाएंगे। 16 तारीख को कुंडलपुर में जो दिव्य और भव्य आयोजन होना है उसके लिए 165 एकड़ ज़मीन का चयन किया है। पूरा नगर बसाया जा रहा है, उसमें 2.5 लाख स्क्वायर फीट का वहाँ सभागृह बनाया गया है जहाँ ये आयोजन होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जो रहेंगे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं माननीय मोहन भागवत जी, उनकी स्वीकृति मिल गई है। मैं स्वयं गया था आमंत्रित करने के लिए। उनकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और सचिव भाई संकेत ये मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस आयोजन पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार वो जानकारियां ले रहे हैं। संभवतः एंड टाइम पे उनका, चूँकि अभी आचार संहिता लगी है तो उन्हें चुनाव आयोग से पूछना होगा, लेकिन उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं वो ये की गई हैं कि जहाँ मुनि आरिकाएँ और श्रावक रुक रहे हैं वहाँ से पांडाल तक आने के लिए जिस तरह की गर्मी है उसे देखते हुए हम लोगों ने कैनोपी का एक पूरा छावदा मार्ग बनाया है, तो वहाँ से चलकर वो लोग सभागृह तक आएँ, अधिक से अधिक लोगों को वहाँ सहूलियत मिल सके, लोग परेशान ना हों, पीने के पानी हो और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हों जो गर्मी से बचने के जितने भी साधन हो सकते हैं उसकी सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। मुनि आरिकाओं के लिए 450 चौके बनाए गए हैं। लोग जो बाहर से आएंगे उनके लिए डोरमेट्री और जो अस्थाई निवास हैं उसकी संख्या भी करीब 350 यूनिट बनाई जा रही हैं। एक एक यूनिट में 25 से लेकर 50 तक लोगों को ठहराने की व्यवस्था, ऐसी तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो आयोजन होगा वो होगा आचार पद पर जो विराजमान होंगे वो जो हमारे पूज्य, जैसे कि सबकी इच्छा है कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज नए आचार्य बनेंगे, तो 52 साल बाद ये मौका है। ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी महाराज को अपना पद दिया था, अब विद्यासागर जी महाराज के पद को नए आचार्य ग्रहण करेंगे। लगभग कितने मुनि या जो है साधु संत लगभग आने की उम्मीद?
लगभग 450 मुनि आरिकाओं के वहाँ पहुँचने की संभावना है। और बड़ी बात यह है कि इस बार कुंडलपुर कमेटी ने और संघ ने दिल बहुत बड़ा किया है। उन्होंने दिगंबर जैन धर्म के सभी आचार्यों मुनियों को आमंत्रित किया है। श्वेतंबर साधुओं भी आसपास जो हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। चारों शंकराचार्य की भी चर्चा है कि यदि सहूलियत हुई तो उनको भी आमंत्रित किया जाए। तो मतलब ये आयोजन एक ऐसा होगा जहाँ संतत्व दिखेगा, जो संत हैं वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों उन सबको वहाँ बुलाने की प्रयास किया जा रहा है। तो भैया 16 तारीख को न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश के संत समाज के ते पहुँचने की उम्मीद है। और संग ही बुंदेलखंड की जब पावन स्थली जो आचार्य विद्यासागर जी को बहुत प्रिय हती कुंडलपुर, वो एक अद्भुत अनूठे आयोजन को साक्षी बनने जा रहा है। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 future ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.